एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान। नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आके किसी ने थप्पड़ मारे हैं और किजिया उसका जो है वो नए चीफ की तकर्री है, जानबूझकर अपना डर जो है वो लोगों के दिलों में बिठाने के लिए। ये बदमाशी है और क्या है। रात से खबर चल रही है वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। आला शख्सियत ने एक आला शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया है, ये जम्हूरियत के ऊपर थप्पड़। थप्पड़ की गूंज शहरे इख्तदार को और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को हिला चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। अहम तैनाती होने वाली है, उसके हवाले से क्या ये तारीख किसी हवाले से मुतनाज़े है। पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म को तो जनाब मारा पीटा भी किया, जदों को भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज पूरे मुल्क में क्यों सुनाई दे रही है। इससे बड़े ऑफिस होल्डर को इस तरह जलील करके लोगों की नजर में सियासत और इन सब क्यों उनकी औकात शायद याद दिलाई जा रही। समरी के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे जिसकी वजह से ये थप्पड़ रसीद किया गया। वो आते हैं और कहते हैं आके जनाब ये जो है समरी इसमें हमारी पसंद का बंदा ये इस पे साइन कर दें, और जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो उसी पे साइन करूंगा कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने जो है बताया है मोस्ट सीनियर पर्सन, तो फिर उनको जो है वो कुछ जरा मजा सिखाया चखाया। देखा क्लिप में बात हो रही है कि पाकिस्तान के जो करंट पीएम है वो कोविड का बहाना बनाकर खुद को आइसोलेट कर चुके हैं क्योंकि उन पर थप्पड़ बरसाए गए हैं, उन पर थप्पड़ों की बौछार की गई। और थप्पड़ों की बौछार किसने की है? पाकिस्तान आर्मी ने की है, ऐसा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं। और अगर ये खबर सच है तो भैया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वहाँ के लोगों को सैल्यूट है। जिस तरीके से वो अगर आर्मी को लेकर थोड़े बहुत भी मतलब कहते हैं कि आर्मी उनकी बहुत ये है वो है तो भैया फिर बेस्ट लगे रहो आप, इसी तरीके से पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत मुख्तलिफ ज़राए से छापी जा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट इधर उधर नहीं घुमाऊँगा आपको मैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं ये खबर है। आपको याद है जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही थी, जिस रात लाई जा रही थी उस रात भी यही खबरें जो है वो फ्लोट की गई थी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। पहले मामला था अदम एतमाद का, अब मामला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। हर कोई इस पर ट्वीट कर रहा है। एक ट्वीट जो कि गरीदा फारूकी साहबा के नाम से वायरल हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थप्पड़ पड़ा है एंड ऑल दीज थिंग्स आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले पे, और ये किसी फौजी नहीं मारा है। इस वक्त हर साहब बड़े से बड़ा सहाफ़ी में देख रहा हूँ, अरुण रशीद साहब, यहाँ पे हामिद मीर साहब, बड़े बड़े सहाफ़ी, वो जो है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई थप्पड़ का क्या मामला है। इस बात को इतना फैलाया गया है और बाकायदा ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है ये थप्पड़ का मामला, और इसको इन्जॉय किया जा रहा है। अब इंजॉय कौन कर रहे हैं? मुझे शहबाज शरीफ के मुखालिफ है। इससे पहले इंजॉय किसने किया था? वो जो इमरान खान के मुखालिफ थे, जब इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की खबर सामने आई थी या लीक हुई थी पहले, उसको इंजॉय किया गया था। अब इंजॉय किया जा रहा है शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ने की। यार मुझे एक बात बताओ, ठीक है मैं मानता हूं हमारे मुल्क में फौज का राज रहा है और जमहूरी हुकूमत में भी फौज का ही राज होता है, मैं मानता हूं। जबकि दूसरी जानिब थप्पड़ की गूंज शहरे इख्तदार को और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को हिला चुकी है। इस थप्पड़ की गूंज में किसने किसको थप्पड़ मारा और किसे क्यों थप्पड़ पड़ा, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। आज फिर उसी तर्ज की एक खबर चलवाई जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। आज भी कुछ साफी और यहाँ तक के बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे सार्फिन जो पीडीएम के मुखालिफ हैं वो इसको पसंद भी कर रहे हैं, खबर को फैला भी रहे हैं, इसकी सुपरमेसी दिखाने के लिए फैलाई जा रही है। और ये थप्पड़ अगर पड़े हैं तो ये थप्पड़ किसी एक शख्स को नहीं पड़े, ठीक है, अच्छा पड़े नहीं है वैसे, लेकिन अगर पड़े हैं तो ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को थप्पड़ पड़े हैं और मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर को इस तरह जलील करके लोगों की नज़र में सियासत और इन सब क्यों उनकी औकात शायद याद दिलाई जा रही। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब चलें, आगे बढ़ते हैं, ये मेरी राय है, शायद बहुत से लोग आप में से इख्तलाफ करें, लेकिन देखें डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने, ये पक्का एक अपना उसूल बना लें। जो चीज़ गलत थी वो आज भी गलत है, जो आज गलत नहीं है वो फिर पहले भी गलत नहीं थी। दोहरा मेयार ये पैमाना नहीं होना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब से हजार नहीं, मेरे तो शायद लाख इख्तलाफ हूँ, आपके अगर हजार भी हैं, लेकिन और बहुत से मामला हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज पूरे मुल्क में क्यों सुनाई दे रही है? किसने किसको थप्पड़ मारा
और पाक फौज ने ये जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की है इसका इस थप्पड़ के साथ क्या ताल्लुक है, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। सुबह से एक बात सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है और थप्पड़ शरीफ का जो है एक टैग जो है वो ट्रेंड में है। बात यह है कि इसमें कितनी सदाकत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अहम शख्सियत वज़ीर आज़म हाउस में पहुंची, वहां पर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान कुछ तलख कलामी हुई और तलख कलामी के दौरान शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। अब ये बातें किसके ज़रिए सामने आई हैं, ये अभी तक तो कोई मुसद्दका ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर पा रहे और ये ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स हैं इसको लेकर, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ट्रेंडिंग में आया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके मुतालिक भी एक अफवाह गर्दिश में आई थी कि रातों रात एक हेलीकॉप्टर आया, वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचा, इमरान खान के साथ मुलाकात की, इमरान खान साहब को बंद कमरे में ज़द्दोकोब किया गया, उनको घूंसे मुक्के मारे गए, इस तरह की एक बात तब भी फैली थी। लेकिन इसकी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई, कोई भी मुसद्दका ज़राए इसको कन्फर्म नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया ने इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और एक पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में एक तमाशा बनाकर इस सारे ट्रेंड को चला दिया। अब ये बात भी उससे तरह की लग रही है कि शहबाज शरीफ क्योंकि वज़ीर आज़म हैं और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक आर्मी चीफ या कोई भी अहम शख्सियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी एक अहम तरीन ओहदा है, उनके साथ कोई तलख कलामी हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ये थप्पड़ मुक्के मार देना ये कोई गली की लड़ाई थोड़ी है, ये पाकिस्तान के अहम ओहदों की बात। ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है कि हमें ये पता चला कि वज़ीर आज़म को तो जनाब मारा पीटा भी किया, ज़द्दोकोब भी किया गया। यानी किस किस्म की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे? यानी सोशल मीडिया का आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कि हम इस तरफ जाएं, और मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर है मारपीट की, मुझ तक क्या खबरें पहुंची हैं और इसमें क्या हकीकत क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताई दूं कि ये जो हफ्ता है ये वो हफ्ता है, ये 4 से 5 वो दिन है जो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत का। अब वो बात थप्पड़ वाली, देखिए ये बात कही गई कि जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा, एक मरतबा फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर आजम हाउस में एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 2-3 लोग उतरते हैं, उन्होंने फाइलें बगल में दबाई हुई हैं, वो आते हैं और कहते हैं आके जनाब ये जो है समरी, इसमें हमारी पसंद का बंदा ये, इस पे साइन कर दें। और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो उसी पे साइन करूंगा कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने जो है बताया है, दी मोस्ट सीनियर पर्सन, तो फिर उनको जो है वो कुछ जरा मजा से। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री निवास में मारे गए हैं थप्पड़, पीएम हाउस में मारे गए हैं थप्पड़। और ये एक बहुत ही मतलब यार, अगर ये खबर अगर 1% भी सच है तो ये मतलब यार, ये खबर अगर इसका कुछ क्लिप वगैरह आ जाए ना तो ये दुनिया में न्यूज़ वायरल हो जाएगी, करंट पीएम को यार घल रहे हैं थप्पड़। ऑब्वियसली यार ये न्यूज़ वायरल होगी तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तो वैसे भी पता है आपको, सबको पता है कितनी स्ट्रांग है, पर छक्के क्या बोलूँ, पर जो भी वर्ड है सब उड़ जाएंगे। क्या इनकी डेमोक्रेसी, क्या इनके लोग और क्या यहाँ का इलेक्शन, ये सब फालतू की चीज़ें जो पाकिस्तान में एक ड्रामा होता है उसकी सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्या कहना है आपको इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ।